कानपुर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर मोहम्मद सुलेमान कॉमन सिविल कोड मामले पर बयान जारी करते हुए कहा है कि पर्सनल लॉ बोर्ड कॉमन सिविल कोड को लागू किए जाने को लेकर सरकार के मंसूबे को असंवैधानिक बताता है। उनका कहना है कि यह संविधान के विपरीत है और मौजूदा सरकार ऐसे मुद्दे उठाती है जिससे अलगाव हो। अगर सरकार ये कॉमन सिविल कोड लागू करने की कोशिश करेगी तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कोर्ट जाएगा। भाजपा इसको मुद्दा बनाती है, चूंकि जो असल मुद्दे हैं देश के शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उनसे भटकाने के लिए इस तरह के मुद्दे लाते हैं, ये इनके एजेंडे में है। लेकिन पर्सनल लॉ बोर्ड का एक कंसिस्टेंट मामला है कि भारत में जो संवैधानिक हमें अधिकार है उनके अंतर्गत हम कोई ऐसे काम जो सरकार करेगी संवैधानिक उसका विरोध करेंगे, विरोध करने का उसका प्रस्ताव उनका तरीका। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMD